सो हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉबसूर में। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इससे पहले जो यूट्यूब पर कंटेंट डली थी, इससे पहले जो क्लास डली थी, उम्मीद करता हूँ आप सब ने वो क्लास देखा होगा और ज़रूर से ज़रूर आप सभी को पसंद ज़रूर भी आएंगे होंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छा कंटेंट था। सिंधु घाटी सभ्यता का वो प्रथम भाग था जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता की क्या भूमिका रही और क्या भौगोलिक विस्तार रहा, और साथ ही साथ वहाँ की जो नगर योजना थी, वहाँ पर किस प्रकार से नगर योजना की प्रणाली थी, उसके बारे में हमने एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देखा था। शायद 19 से 20 मिनट का वीडियो रहा होगा। उम्मीद करता हूँ वो चीज़ आपको पसंद आई होगी। तो चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्यारे साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं, आज देखेंगे उनके बारे में, जितने भी जो वन डे एग्जामिनेशन होता है या फिर है ना जो प्रतियोगिता परीक्षा होते हैं, उसके दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, तथ्य हैं, आज उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और बहरहाल किसी चीज़ को लेकर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, तो कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहता है, कमेंट जरूर करिए। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जरूर से जरूर ये क्लास जो है अच्छी लगेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए यहां पे अगर हम बात करें, जिक्र करें आज हम किस किस टॉपिक पर डिटेल से बात करेंगे, तो देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है, जैसे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा हो गया, मोहन जोदड़ो हो गया, चंदूदड़ो हो गया, और उसके बाद लोथल हो गया, राखीगढ़, कालीबंगा, बनावली और धौलीवीरा। तो ये जो धौलावीरा, ये इतने सारे जो टॉपिक्स हैं, इतने सारे जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रमुख स्थल हैं, आज इनके बारे में इन्फॉर्मेशन देखेंगे। बाकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता, इसकी खोज 1921 में खोज की गई थी सर्वप्रथम, है ना, इसीलिए सबसे पहले इसी को खोजा गया, हड़प्पा सभ्यता को 1921 में, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, हड़प्पा सभ्यता रखा गया। बाद में इसका नाम, और हम इसको जानते हैं दूसरे मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है, तो वो खैर बात की बात है, आगे उसके बारे में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले इसी की खोज की गई थी 1921 में, और किसने की थी, तो ये किया था इसको दयाराम साहनी ने। हालांकि मैंने इनका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, हालांकि जो इन्होंने फर्स्ट वाली वीडियो देखी हो उनको पता ही होगा कि दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की, जो हड़प्पा स्थल है उसकी खोज की थी। अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की, तो हड़प्पा वर्तमान में रावी नदी के तट में है ना, रावी नदी के तट के बाएं तट पर है ना, रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब में सिंध प्रांत में मोंटगोमरी जिले में स्थित है। तो देखिए अगर बहरहाल अगर सीधी बात करें, तो हड़प्पा जो है वर्तमान में है ना, जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है वहाँ पर स्थित, और कौन सी नदी के तट पर है, तो ये है भाई रावी नदी। तो यहाँ पे दो चीज़ याद रखिएगा कि हड़प्पा जो है वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में, और किस नदी के तट पर है, तो ये आपको रावी नदी के बाएं तट पर मिलेगा। बाकी यहाँ पे और देख लेते हैं कि है ना स्टुअर्ट पिगडट है ना, स्टुअर्ट जो पिगडट हुए है ना, इसने अर्ध औद्योगिक नगरी कहा है किसको, हड़प्पा जो हड़प्पा स्थल है उसको। अब देखिए स्टुअर्ट पिगडट, इसका नाम याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है किसने है ना, किसने हड़प्पा सभ्यता को अर्ध सॉरी हड़प्पा स्थल को अर्ध औद्योगिक नगर कहा है, तो ये कहा है स्टुअर्ट पिगडट ने। अब देख लीजिए यहाँ इसको कहा क्यों गया, आखिर अर्ध औद्योगिक नगर क्यों कहा गया, इसके पीछे कारण जान लीजिए, क्योंकि यहाँ के निवासियों का एक बड़ा भाग जो व्यापार, तकनीकी उत्पाद और धर्म के कार्यस्थल में संलग्न था, उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। तो देखिए स्टुअर्ट पिगडट ने क्या कहा, एक तो पहली बात इसने कहा कि ये जो हड़प्पा स्थल है वो क्या है, अर्ध औद्योगिक नगर है, और साथ ही साथ इसने एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी कहा है। तो दो चीजें याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं आपको यह समझ आ गया होगा कि अर्ध औद्योगिक नगरी इन्होंने क्यों कहा, और साथ ही साथ इसे एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी क्यों कहा। उम्मीद करता हूं यह चीज आपको जरूर पसंद आया होगा। आगे देख लेते हैं इसी के बारे में। और देखिए इन्होंने क्या, जैसे मैंने आपको जब मैंने आपको बताया था, समझाया था पहली वाली क्लास में कि नगर योजना के बारे में, तो आप सभी को बताया था कि इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए जितने भी चोर, लुटेरे, डाकू या फिर जो पशु दैंतव्य होते हैं, उनसे अपनी रक्षा करने के लिए, नगर की रक्षा करने के लिए है ना, किले का निर्माण कराया था, बड़े बड़े दुर्ग स्थापित किए थे। तो इसी प्रकार नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया है ना, यह दुर्ग उत्तर से दक्षिण की ओर 415 मीटर लंबा तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 195 मीटर चौड़ा। जिस टीले पर यह दुर्ग बना है उसे व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है ना, माउंट
यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, माउंट एबी की संज्ञा दी है। तो देख लीजिए, माउंट एबी की संज्ञा जो रक्षा द्वार होता है या फिर जो रक्षा किला होता है, जो दुर्ग होता है, उसे किसने किसने माउंट एबी की संज्ञा प्रदान की, तो उसे व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा प्रदान की। यानी कि ए जो हो जाएगा आपका उत्तर उत्तर से दक्षिण वाला जो लंबा जो पूर्व है ना, लंबा जो आपका किला है उसको, और उसके बाद जो है ना जो चौड़ाई है उसको बी नाम दिया। ए यहाँ पे लंबाई हो गया और बी जो है उसकी चौड़ाई हो गई। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं माउंट एबी नाम के माउंट एबी की संज्ञा किसने दी है, व्हीलर ने दी है। तो आई होप यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा। अगला देख लेते हैं, अब हम बात करते हैं मोहन जोदड़ो के बारे में। तो मोहन जोदड़ो है ना, तो देख लीजिए इसका क्या होता है, इसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए भाई, जो मोहन जोदड़ो है ये आपको कहाँ मिलेगा, एक तो पाकिस्तान में मिलेगा, और इसका अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला, किस भाषा में, सिंधी भाषा में। तो यहाँ पे दो चीज़ याद रखिएगा, एक तो पहली बात इसकी जो लोकेशन है, तो ये आपको कहाँ मिलेगा, वर्तमान जो पाकिस्तान है उसके सिंध प्रांत में आपको मिलेगा। कौन सी नदी के तट पर मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको सिंधु नदी के तट पर मिलेगा। और ये जिसका क्या अर्थ होता है, जिसका संक्षिप्त अर्थ होता है मोहन जोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। ओके, और देखिए इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। और मोहन जोदड़ो की शासन व्यवस्था कैसी थी, राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक प्रजातंत्रात्मक थी। जैसे आज भारत में जो डेमोक्रेसी चलता है, सेम उसी प्रकार से यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी, जो सत्ता थी, वो किसी प्रशासनिक यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, यानी कि जो शासन व्यवस्था थी, वो राजतंत्रात्मक न होकर प्रजातंत्रात्मक थी। अब उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, वृहद स्नानागार मोहन जोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। तो देखिए यहाँ पे पूछ दिया जाता है कि जो स्नानागार है, जो वृहद विशाल स्नानागार है, वो किसमें कहाँ पाया गया, तो वो पाया गया है भाई मोहन जोदड़ो में। ओके, उसके बाद देख लीजिए, इसके केंद्रीय खुलने इसके केंद्रीय खुले प्रांगण के बीच जल कुंडिया जलाशय बना हुआ है। आगे देख लेते हैं कि तांबे तथा टीन को मिलाकर हड़प्पावासी कांसे का निर्माण करते थे। तो देखिए ये काफ़ी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है ना, क्योंकि इन्होंने किसका प्रयोग किया, इन्होंने लोहे का प्रयोग ना करके इन्होंने कांसे का उपयोग किया, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और देखिए कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी जो इससे पहले जो लेक्चर सीरीज लिया था उसमें आपको वो चीज़ कराया था, है ना, नगरीय व्यवस्था थी और कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो इसे प्रकार तांबे तथा टीन को मिलाकर हड़प्पावासी कांसे का निर्माण करते थे। मोहन जोदड़ो से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति पाई गई जो द्रवी मोम विधि से बनी थी। ठीक है, तो देखिए हमें मोहन जोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है, नर्तकी की एक मूर्ति प्राप्त हुई जो कि द्रवी मोम विधि से बनी हुई। अब देखिए आप लोग ना अपने तरफ से एक अफोर्ट और लगाते जाइएगा, किस काल में, किस स्थान में, कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ें प्राप्त हो रही है, और वो चीज़ें भी आप याद रखिएगा। जब सारे कंटेंट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको क्या क्या अवशेष कहाँ कहाँ से मिले उसके पर भी एक वीडियो देने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं यहां पे, अब हम लोग यहां पे बात करते हैं तीसरा जो हमारा शहर है, तीसरे नंबर का, वो है चन्हुदड़ो, है ना। चन्हुदड़ो के बारे में अब लोग देख लीजिए, यह नगर मोहन जोदड़ो से 130 किलोमीटर है ना दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। तो देखिए चन्हुदड़ो भी आपको कहां मिलेगा, पाकिस्तान में। तो देखिए हमने क्या क्या देखा, हड़प्पा देखा, उसके बाद क्या देखा, मोहन जोदड़ो, और ये जो हम लोग देख रहे हैं क्या, चन्हुदड़ो। तो ये तीनों के तीनों हम लोग कहाँ मिल रहा है, वर्तमान पाकिस्तान में मिल रहा है ना, पाकिस्तान में स्थित है। अब देखिए इसकी जो इसकी सबसे पहले खोज किसने की थी, 1934 में एन गोपाल मजूमदार ने की थी। 1935 में अर्नेस्ट मैके द्वारा यह उत्खनन करवाया गया था। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं, चन्हुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर वक्राकार ईंटें मिली। अब देखिए इसको ज़रूर याद रखिएगा, चन्हुदड़ो में केवल है ना जो वक्राकार की ईंटें वही मिली, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। बाकी जो किसने खोज की अगर आप याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, गोपाल मजूमदार ने रखा है, इसकी खोज की थी 1934 में एन गोपाल मजूमदार ने। उसके बाद चन्हुदड़ो की सबसे विशेषता क्या है कि यहाँ पर ये एकमात्र ऐसा स्थान है, हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता कालीन एक ऐसा स्थल है जहाँ पे वक्राकार ईंटें मिली हैं, है ना। आगे देख लेते हैं कि चन्हुदड़ो में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिलता है, और चन्हुदड़ो से पूर्वोत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति झुक्कर झांगर के अवशेष मिले हैं। ओके, अगला देख लीजिए, ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकारी, मुहर बनाने, भार मापने के बटखरे बनाने का काम होता था। अर्नेस्ट मैके ने यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज की। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपको लास्ट वाले जो लाइन मैंने बताया, अर्नेस्ट मैके ने यहाँ क्या किया, मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज की। तो देखिए यहाँ पे पूछ दिया जाता है कि है ना जो मनका
चरखा बनाने का कारखाना कहाँ किस स्थल पर देखने को मिला, तो वो मिले भाई आपको चंदहुदड़ो में। तो आप इस चीज़ को याद रखिए, यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर लेंगे। उम्मीद कर तो ये वाला जो चंदहुदड़ो के बारे में एक संक्षिप्त विवरण है, ये आपको पसंद ज़रूर आया होगा। आगे देख लेते हैं, अब हम बात करते हैं लोथल के बारे में। तो लोथल क्या है, यह गुजरात के अहमदाबाद के जिले के है ना, यह गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवाला ग्राम के समीप दक्षिण के भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सर्वप्रथम डॉक्टर एस आर राव ने 1955 में किया था। तो देखिए यहाँ पे लोथल के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये वर्तमान में कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है ना, गुजरात में स्थित, और किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये है भाई भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। तो दो चीज़ें याद रखिएगा, इसकी लोकेशन और ये किस नदी के तट पर स्थित है ना। अब उसके बाद अगर आपको इसका जो खोजकर्ता है उसका नाम याद रखना है तो आप रख सकते हैं 1955 में इसकी खोज किसने की थी, डॉक्टर एस आर राव ने किया था। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे ये जो अभी मैं ये जो टॉपिक बता रहा हूँ इसको ज़रूर याद रखिएगा, यह एक प्रमुख बंदरगाह था जो पश्चिमी एशिया से व्यापार का एक प्रमुख स्थल था है ना। तो आप इसको याद रखिएगा कि बंदरगाह है ना, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ पर बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह कौन था, तो ये था भाई, कौन सा स्थल था आपका, लोथल। अब उसके बाद देख लीजिए, लोथल में नगर को दो भागों में बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया था। यानी कि जो लोथल था उसको क्या किया गया था, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। लेकिन जो भले ही डिवाइड किया गया था, लेकिन आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आपको यहाँ पे जो नज़दीक में दिख रहा है पूरा, ये जो क्या है, ये बाउंड्री है ना, इसको एक ही बाउंड्री में इसको क्या किया गया था, इसको पूरे एक ही बाउंड्री में यहाँ पे जो सुरक्षा होता है, जो सिक्योरिटी वॉल है, उसमें कवर कर दिया गया था। अगला देख लेते हैं, अगला हमारा है आपका राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी के बारे में देख लेते हैं, यह कहाँ है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और उसके बाद यहाँ क्या मिला आपको, यहाँ मिला जब खुदाई हुई तो यहाँ हमें क्या मिला है, यहाँ अन्नागार एवं रक्षा के प्राचीर साक्ष्य मिले हैं। और उसके बाद देखिए ये जो तीसरा जो टॉपिक है, इसके अलावा जो अन्नागार और रक्षा के प्राचीर साक्ष्य, इसको भी याद रखिएगा, और साथ ही साथ जो इसका लोकेशन है उसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर जितने भी तीन टॉपिक लिखे हैं, तीनों के तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब देख लीजिए, ये जो तीसरा टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया जिनके नष्ट होने का खतरा है। तो देखिए ये जो आपको राखीगढ़ी दिख रहा है ये क्या है, एक्चुअल में समाप्ति के कगार पर है, इसलिए 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के ऐसे 10 स्थानों की सूची में डाल रखा है जो ख़त्म होने के कगार पर है। अगला देख लेते हैं, अगला जो है हमारा कालीबंगा है ना, कालीबंगा देख लीजिए, कालीबंगा अगर लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये वर्तमान में राजस्थान में स्थित है ना, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्घर नदी के बाएँ तट पर स्थित है। और देखिए कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कालीबंगा का शाब्दिक करते होते हैं काले रंग की चूड़ियां, जैसे हमने क्या देखा था मोहन जोदड़ो है ना, तो मोहन जोदड़ो का क्या अर्थ होता है, सिंधी भाषा में मोहन जोदड़ो क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। उसी प्रकार से है ना, मृतकों का टीला कहा जाता है मोहन जोदड़ो को। उसी प्रकार जो आपका कालीबंगा है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है, काले रंग की चूड़ियां है ना, तो इसको भी याद रखिएगा। और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये है भाई घग्घर नदी के तट पर स्थित है। और वर्तमान में इसकी लोकेशन क्या है, ये स्थित है आपके राजस्थान में। देखिए कुछ इमेजेस मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखे, उसको जरूर देखते जाइएगा। अब यहां पे अगर इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज 1951 में है ना अमलानंद घोष ने किया था, तथा 1961 में बी लाल और बी के थापर के निर्देशन में इसकी खुदाई की गई थी। अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिलता है, तो यहाँ से हमें जो साक्ष्य मिलता है, जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिलता है ना, जो खेत मिला जहाँ पे जुताई के हमें साक्ष्य मिले हैं, तो जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है, किससे मिला है, कालीबंगा से। उसके बाद यहाँ के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों के द्वारा हुआ है, तथा यहाँ से अलंकृत ईंटों के भी साक्ष्य मिले हैं। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला है, पहला यहाँ पे मिला है भाई जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले, उसके बाद यहाँ पे किसका मिला है, कच्ची ईंटों का जो भवन है वो कच्ची ईंटों से निर्मित किए गए, तो इसका साक्ष्य मिलता है। उसके बाद अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। अब उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार, यानी कि जो शवों को मतलब जो शव जलाते हैं वहाँ पे जो अंतिम संस्कार होते हैं उसके अंत्येष्टि के संस्कार हेतु तीन विधियाँ मिली हैं। सबसे पहले पूर्ण समाधिकरण है ना, पूर्ण समाधिकरण, उसके बाद आंशिक समाधिकरण, और उसके बाद दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ पे पूछ दिया जाता है कि कालीबंगा
गंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु कितनी विधियाँ मिली हैं, तो हमें 3 विधियाँ मिली है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको क्या क्या जानने को मिला होगा। सबसे पहले आप इसके लोकेशन को याद रखिएगा, जो कि राजस्थान है हनुमानगढ़ जिले के, और कौन सी नदी के तट पर, घग्गर नदी के तट पर। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों, कालीबंगा का अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ। इसकी खोज हुई थी 1951 में, किसने किया था, अमलानंद घोष ने किया था। उसके बाद और कुछ चीज़ें हैं, उसके बाद यहाँ से आपको क्या क्या जानकारी मिली, तो यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, जूते हुए खेत की साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पे जो भवन निर्माण किया गया था वो किससे किया गया था, कच्ची ईंटों के द्वारा यहाँ पे भवन निर्माण किया गया था, है ना। और यहाँ पे जो कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु कितने विधियाँ मिली हैं, 3 विधियाँ मिली हैं। तो उम्मीद करता हूँ कालीबंगा के बारे में भी जितनी जानकारी थी वो आपको ज़रूर समझ आ चुकी होंगी। आगे देखते हैं, आगे जो हमारा अगला चीज़ है वो है बनावली के बारे में। अब बनावली जो है आपको हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में स्थित है, है ना, हरियाणा में मिलेगा। आप ये चीज़ याद रखिएगा, ज़िला भले आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन आप कोशिश करिएगा जो बनावली है, मतलब जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी सिटीज़ हैं, जितने भी स्थल हैं, वो आपको कहाँ पे कौन कहाँ पे लोकेटेड है वर्तमान में, उस चीज़ को याद रखिएगा। तो बनावली ये आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा वर्तमान में। इसकी खोज 1973 में R.S. बिस्ट ने की थी। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हड़प्पा जो बनावली है वो हमें हड़प्पा कालीन हड़प्पा सभ्यता या फिर जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ से क्या क्या सामान मिले या फिर अवशेष मिले। तो इस स्थल से कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। ओके, तो या आई होप ये चीज़ समझ आ गया होगा, है ना। तो कालीबंगा के जैसे ही इसमें हमें क्या मिले, हड़प्पा से पहले और हड़प्पा के समकालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं, है ना। यहाँ जल निकासी प्रणाली का अभाव था और यहाँ मिट्टी का बना हल मिला है। याद रखिएगा हमें ये जो मिट्टी का हल मिला है ना, मिट्टी का बना हल मिला है, जबकि इससे पूर्व हमने क्या देखा था, कालीबंगा, वहाँ पर हमें जूते हुए खेतों के अवशेष मिले थे, है ना, साक्ष्य मिले थे। और यहाँ पर हमें क्या मिला है, यहाँ पर मिट्टी का बना हुआ हल मिला है। उसके बाद बनावली, है ना, बनावली में अधिक मात्रा में जौ मिला है। तो दो चीज़ याद रखिएगा कि एक तो पहला मिट्टी से बना हल मिला है, और दूसरी बात हमें बहुत अधिक मात्रा में यहाँ से जो जौ है वो मिला है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको भी समझ आ गया होगा। अगला स्थल देख लेते हैं, अंतिम है धौलावीरा। तो धौलावीरा भाई ये कहाँ आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको गुजरात में, है ना। तो गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में यह स्थित है, और इसकी खोज 1967 में JP जोशी ने की थी। और यहाँ से प्राप्त होने वाली सिंधु लिपि, है ना, 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख महत्वपूर्ण उपलब्धि है, इसकी उपलब्धि है ना। यहाँ पे क्या मिला, 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख मिले। अब देखिए शिलालेख की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो चिन्ह है, जो लिपि है, उसकी हम लोग अगली कक्षा में उसके ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे वहाँ पे किस लिपि का प्रयोग किया जाता था, किस प्रकार के लिपि का प्रयोग किया जाता था। और साथ ही साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे उनका जो राजनीतिक जीवन है या फिर जो सामाजिक जीवन है वो कैसा रहा, उसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उसके बाद जो धौलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीक से परिचित थे, जैसे मैंने आपको नगर योजना में जब नगर नियोजन या फिर जो नगर योजना है उसको इन्होंने किस तरह से एस्टैब्लिश किया था, किस तरह से बसाया था सिंधु घाटी सभ्यता वालों ने, उसके बारे में जब बताया तो मैंने आपको बताया कि जल संरक्षण की तकनीक काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप थी, इसलिए धौलावीरा के निवासी जो है जल संरक्षण की तकनीक से परिचित थे। और इन्होंने क्या किया था कि नगर को 3 भागों में विभाजित किया था, जिसमें पहला भाग था दुर्ग भाग, फिर मध्यम नगर तथा निचला नगर। अब उसके बाद क्या हुआ कि अगला देख लीजिए कि धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम यानी का खेल का मैदान मिला है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में डायरेक्टली कि खेल का मैदान, है ना, हड़प्पा कालीन सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो ये जो मिला है, है ना, हड़प्पा सभ्यता से धौलावीरा में ही मतलब एकमात्र धौलावीरा ही एकमात्र ऐसा स्थान रहा है जहाँ पर हमें क्या मिला है, खेल का मैदान मिला है, एकमात्र स्टेडियम मिला है। तो आई होप सारा जो चीज़ था आपको पसंद आया होगा, जितनी भी मुझे माइक्रो नॉलेज थी या फिर जितनी भी मुझे आती है मैंने कोशिश किया कम टाइम पे उसको आप सभी को बताने का प्रयास किया। तो